फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव मेरे चैनल सिंपल रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मंचूरियन की रेसिपी। इस रेसिपी को देखकर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन घर पर बना पाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मंचूरियन बनाने के लिए मैंने ग्रेट की हुई वेजिटेबल्स ले ली है। तो मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ 1 कप पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, आधा कप गाजर यानी कि कैरेट, और आधी शिमला मिर्च को मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्च को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, आधा कप बारीक कटी हुई हरी प्याज यानी कि स्प्रिंग अनियन। तो इन सारी वेजीज से हम बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल्स बनाने के लिए हम सारी वेजिटेबल्स को एक बॉल में डाल लेते हैं। कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, जिंजर, ग्रीन चिलीज और स्प्रिंग अनियन। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मैदा और एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक वगैरह ऐड करने से फिर ये जो वेजीज है वो पानी छोड़ देगी, तो जो हमारा डो बनेगा वो गीला बनेगा, तो बॉल्स बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और बस मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हम इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, छोटे नींबू के साइज़ की। और बॉल्स को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है कढ़ाई में और सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो बस मीडियम फ्लेम पर मीडियम हॉट ऑयल में केयरफुली हम सारी बॉल्स ऐड कर देंगे। और बॉल्स को हमको तब तक फ्राई करना है तब तक कि इनका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती हैं। तो हम लगभग 1 मिनट तक पकने देंगे इनको मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद हम इनको टर्न करेंगे। इनको टर्न करने के लिए आप फोक की हेल्प लें, आप फोक की हेल्प से बहुत अच्छे से बहुत ईजिली टर्न कर पाएंगे। ये देखिए, तो सारी बॉल्स को फ्लिप कर दिया है मैंने। अब दूसरी साइड से भी हम इनको लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद हम इनको फ्लिप करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी बॉल्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। बस अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो सारी बॉल्स फ्राई होने के बाद सारा ऑयल निकाल देंगे। सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल कढ़ाई में रहने देंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 12 से 15 कलियां लहसुन की बहुत ही फाइनली चॉप की हुई और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। तो हम ऐड कर देंगे ऑयल में और लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेते हैं इनको लो मीडियम फ्लेम पर। और ये मैंने स्प्रिंग अनियन ले ली है बारीक कट की हुई। इसका व्हाइट वाला पोर्शन अलग कट कर लिया है और ग्रीन वाला अलग कट कर लिया है। तो मैं व्हाइट वाला पोर्शन ऐड कर देती हूँ और ग्रीन वाला पोर्शन हम आधा ही ऐड करेंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ और बस प्याज को हम भून लेंगे हाई फ्लेम पर 30 से 40 सेकंड के लिए। क्रंची ही रखना है हमको, सॉफ्ट नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ये मैंने 1 शिमला मिर्च को बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं और बस मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सारे सॉस ऐड करेंगे। तो मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 1 टीस्पून विनेगर और बस हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप पानी और पानी में बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आ चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो ये मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया है, बस डाल देते हैं हम। कॉर्नफ्लोर से ग्रेवी हमारी जो है वो बहुत थिक हो जाएगी और लो फ्लेम पर हम लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे।
ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो पक जाए, सारा कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया सी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉल्स। तो ये सारी बॉल्स ऐड कर दी है मैंने। उसके बाद हम इसको मिक्स करके ग्रेवी के साथ लो फ्लेम पर पका लेंगे लगभग एक मिनट के लिए। तो एक मिनट पका लिया है मैंने। तो ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया थिक ग्रेवी वाला बहुत ही शानदार मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। अब हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी हरी प्याज यानी कि स्प्रिंग अनियन और बस इसको सर्व कर लेंगे। वाओ, इट्स लुकिंग माउथ वाटरिंग। तो बस इस तरह से सर्व करने के बाद अगर आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन से थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर दें। आप इस तरह से मंचूरियन को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।